अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माली अनवर आज 2.5 साल बाद फाइनली अपने फादर की कब्र पे विज़िट करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की जुदाई जो होती है वो नाकाबले बर्दाश्त होती है और बहुत शॉकिंग होती है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाना कि हाँ वो अब चले गए हमसे दूर बहुत मुश्किल होता है। तो आज अपने दिल को बहुत ज़्यादा मज़बूत करके मैंने इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि मैं आज बाबा की कब्र पे फाइनली 2.5 साल बाद विज़िट करूँगी और हाज़िरी दे के वहाँ पर फातिहा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं और मुस्तफ़ा जो हैं वो पापा की स्क्वाड के कुछ मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स थे, जो कि 24/7 ऑलमोस्ट हम उनके साथ ही रहते थे और हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। तो मुस्तफ़ा भी अंदर से तो दुखी है, लेकिन ये है कि वो भी जाना चाहता है और मैं भी जाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला उनके लिए अगली दुनिया में भी सानिया करे, हमारे लिए भी अगली दुनिया में सानिया करे, इस दुनिया में भी सानिया करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आज फाइनली मैं अपने पापा की कब्र पे आई हूँ। 2.5 साल तकरीबन अरसा गुजर गया है। साथ मेरे चाचू की कब्र है, ये मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा साथ खड़ा हुआ है, डॉक्टर खलील और अनम रिश्ता भी हमारे साथ हैं, आंटी नजीना भी हमारे साथ हैं। हमने कब्र को धो के उसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स से उसको डेकोरेट किया है। और चाचू की कब्र है, चाचू की हाइट बहुत लंबी थी, पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, ही डाइड जस्ट एट द एज ऑफ 47 10 ईयर्स बिफोर पापा। और अब ये पापा की, दोनों भाइयों की कब्र साथ साथ है। और जितने भी कब्र से महसूस करके जन्नत के फिरदौस में आला मुकाम है, पापा को कब्र पर जन्नत नसीब करना है, पैसे मिलने की जन्नत नसीब करना है, हमारे लिए भी सामना पैदा करे, तमाम मुसलमानों की दुआ, तमाम हमारे हदायत पर मौत हो, कलमा हक की जुबान से जारी हो, सब हमारी मौत हो, या अल्लाह ताला हमारे लिए मामला सामने पैदा करना, या अल्लाह ताला सामने पैदा करना, या अल्लाह ताला सामने पैदा करना, या अल्लाह ताला सामने पैदा करना। आमीन। Papa, just want to say one thing. Everything is okay. Everything is okay. Everything is okay. और आप खुश रहें, आप जिधर भी हैं आप खुश रहें, आपको अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत की खिड़की ओपन रखे और आप खुश रहें, और हम जल्द इंशाल्लाह ताला सब साथ हों और अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह दे, आमीन। पाकिस्तान की ये खामोशी इस चीज़ का मैसेज दे रही है सबको कि फ़ाइनली हमें इधर ही जाना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मामलात में इस चीज़ को याद करके चलें कि हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यही है, हमने अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, या अल्लाह ताला हमें हदायत में मौत दे, हमें उन लोगों में रख जिससे तू राज़ी है, या अल्लाह ताला हमें उन लोगों में रख जिससे तू राज़ी है, या अल्लाह ताला हमें उन लोगों में रख जिससे तू राज़ी है। पापा, आप जैसा बंदा पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा और ना कभी आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं आप और बहुत अच्छे ही हैं, और आपसे ज़्यादा कभी कोई अच्छा नहीं हो सकता। आप हमें हमेशा याद रहते हैं, हर वक्त आपकी बातें आपकी यादें हमारे साथ हैं, और एवरी थिंग इज़ ओके। जितने भी हमारी फैमिली में बच्चे हैं ना, जितने भी पापा की औलाद के आगे बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टाइम मुस्तफ़ा जो है वो पापा के साथ रहे, अपने नाना अबू के साथ, इसकी बहुत ज़्यादा उनके साथ दोस्ती थी और ही वॉज़ वेरी मच सेंसिटिव पर्सन।
अभी भी है, और उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया कि मोटू पापा हैज़ गॉन। बट मुस्तफ़ा, बस आपने उनके लिए और हमारे लिए हमेशा दुआ करनी है अल्लाह ताला से, ठीक है मेरे बेटे? ठीक है, मोटू पापा इधर हैं, ये हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, हम सब ने भी इधर ही चले जाना है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा करे, अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे। ओके, से अस्सलाम वालेकुम टू मोटू पापा, हमेशा उनको दुआ में याद रखें, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें। ओके, तो फरील जो हैं वो बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, और जब से वो यहाँ पे आए हैं वो रो ही जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ही लव्स पापा दिल से, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे, और मुझे लगता है सारे दामादों में भी सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन डॉक्टर फरील का उनके साथ गुजरा है। पापा, सारों की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मम्मी की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से, एमन की तरफ से, अंकल पप्पू की तरफ से, सब की तरफ से, इमिशा की तरफ से, मानो की तरफ से, आसिफ भाई की तरफ से, सलमान भाई की तरफ से, डॉक्टर खलील की तरफ से, सब की तरफ से आपको बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। और फाहद भाई की तरफ से भी, आपको पता है फाहद भाई के फादर भी आपके पास चले गए, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे। बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल हो गया है, और अब कब्रिस्तान से जब जा रहे हैं तो उसको मोटू पापा इतने ज़्यादा याद आ रहे हैं कि ये रो रहा है ऊंचा ऊंचा, और ये जाना नहीं चाह रहा। आपने रोना नहीं है मेरी जान, मोटू पापा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप इतना ज़्यादा उनके लिए रो रहे हो, ठीक है मेरे बेटे? मोटू पापा आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, आपको पता है ना इस बात का, और आप सबसे ज़्यादा उनके पास रहते थे। आपने आइंदा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जीना है, ठीक है? सब रो रहे हैं पापा आपके लिए, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बस आपको खुश रखे तो हम भी खुश हैं, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ। फील को अपने मम्मी पापा बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, जब से कब्रिस्तान आए हैं बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ही इज़ वेरी सेंसिटिव एंड ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन। हम जाने लगे हैं वापसी के लिए। अल्लाह हाफिज़ पापा, अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फरमाए, अल्लाह ताला हमारी भी हिफाज़त फरमाए, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, आमीन। खलील से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मुसलसल रो ही जा रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा रो रहा है पापा के लिए। अलम नशर डजेंट नो कि हमारी कितना बड़ा लॉस हुआ था फैमिली का। पापा थे ही इतने ज़्यादा अच्छे कि कोई भी बंदा ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि वो चले गए।